लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। की रैली निकल रही थी तो उसके बाद खराब हुआ। मुहर्रम निकलता है, मैं कभी दंगा हुआ करते हैं, छुरी मारते हैं, काटते हैं, पीट कुछ इंधन का होता है तो ईंट पत्थर बरसाते हैं। ये कहां का इंसाफ है? बुढ़िया बेचारी वो टंगी हुई है माल वर का, वो मंदिर फन्ने तोड़ दिया, वहाँ मूर्ति तोड़ दी, उनका तरस किसी को नहीं आ रहा, यहाँ का तरस ज्यादा आ गया लोग। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी जहांगीरपुरी में है और आप देख रहे हो कि मेरे पीछे मस्जिद और मंदिर है, कुछ लोग मेरे साथ हैं। किसी शायर ने कहा है कि किसी कोई मेरा महल जलता है तो जलने दे, रोको इन हवाओं का क्योंकि ये चमन की बात है। हवा का मतलब आप समझ रहे हो कि हवा, मैं राजनीतिक पार्टी से बात कर रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड पे पब्लिक का क्या कहना है, पब्लिक हकीकत क्या है, लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि 16 अप्रैल के बाद और आज तक क्या कैसे घटना हुई, ये घटना का तूल कैसे पकड़ा। मैं लोगों से यहाँ जहांगीरपुर के लोगों से बात करूँगी, वास्तविकता है क्या, क्या हुआ था सर? एक्चुअली तो पता नहीं, बट ये पता है कि जो है हमारा हिंदुओं की रैली निकल रही थी तो उसके बाद पथराव हुआ और दोनों पक्षों के बीच में जमकर लड़ाई हुई। नहीं चाहते कि ये सब हो, होना भी नहीं चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए। बस मैं यही कहूँगी, ये हिंदू मुस्लिम ने जब रहना यहीं पे है तो फिर लड़ाई किस बात की। आप लोग यहाँ कितने दिनों से हैं? यहाँ पे हम लोग तो 40 साल से रह रहे हैं, हमारे जो इन लॉज हैं वो 40 साल से पहले रह रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले कभी ऐसा घटना हुई? कभी नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। वो कैसे गया ये घटना? अरे अच्छे से रैली निकल लेती उनकी, बजरंगबली की रैली निकल लेती, रैली निकलते निकलते पता नहीं क्या पथराव हो गया। हनुमान जयंती की नहीं तो कभी ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे, 40 साल से तो हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 30 साल से तो हमने मकान लिया यहाँ पे, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी दंगा नहीं। मुहर्रम निकलता है, मैं कभी दंगा हुआ करते हैं, छुरी मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, हमारे जो कुछ इंधन का होता है तो ईंट पत्थर बरसाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? यहाँ कूड़ेदान हटाने के लिए या दुनिया का पंगा करवा दिया, रुकवा दिया, ये करवा दिया, और यहाँ बुढ़िया बेचारी वो टंगी हुई है माल वर का, वो मंदिर फन्ने तोड़ दिया, वहाँ मूर्ति तोड़ दी, उनका तरस किसी को नहीं आ रहा, यहाँ का तरह ज्यादा आगे लोग। अरे इतने सालों से तो सभी अच्छे से रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ज्यादा करना सब अच्छे से ही रहते हैं। खैर ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गलत रहे, इतने सालों से सब हिंदू मुस्लिम प्यार से ही रहते हैं यहाँ पे, कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं है। दुश्मनाई तो है नहीं, इनको दुश्मनाई कैसे निभा रहे हैं बताओ? मंदिर में रैली में पत्थर मारना चाहिए, वो भगवान की बाबा लिखा रहा है, इनके जो निकालते हैं तो हम तो कोई नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। हमारी गली में चाकू छुरा तलवार मार मार के निकलते हैं, तो मन आग लगाते हैं, मोम फब्बारे मारते हैं, कोई कुछ बोलता है लोग उनसे भी, उनके खूब ताजे वगैरह निकलते। हमारे हिंदू भाई कभी नहीं बोलते, खड़े खड़े देखते हैं। अच्छा, उस ताजे आप लोग शामिल भी होते हैं उनको? सब खूब शामिल होते, खूब अच्छी तरह खुशी होती है हम लोगों को, उनका ताजे निकलते तो मुहर्रम निकालते, और हमारे लोगों का कुछ होता है तो यही हल करते हैं। हमारे लोगों को झांकी निकलती है, कुछ भी होता है बता, हनुमान जयंती की मूर्ति निकाली थी उसी में इन्हें ये हल कर दिया। पाकिस्तान वाला हिसाब करता है यहाँ पे रह के, कोई औरत बुंदे कोई चीज बता पहन के नहीं जा सकती, मोबाइल पर बात करते हुए नहीं जा सकते, इस रोड पर सीबलो फिबलो हाल मोबाइल चल जाते हैं। मोबाइल क्या कर देते हैं? मोबाइल बात करते जाओ, मोबाइल छीन ले जाते हैं। अच्छा, सी ब्लॉक इधर, यहाँ कहीं भी जाओ, बंदे पे जाओ, कहीं भी जाओ, इतना नहीं है धी बेटी कोई यहाँ निकल जाए, लेटे बेर कोई भी नहीं निकल सकती है, लड़का हो चाहे कोई भी हो, पैसे छीन लेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, और कोई ज्यादा बोलता है उनको धमकी देते हैं। ये जो 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 अभियुक्त है जो पकड़ा है पुलिस के द्वारा, जो 20 आदमी पकड़ाए हैं, दो बच्चे हैं, उसमें अंसार का नाम सबसे ज्यादा ऊपर। इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जानते होंगे तो और लोग जानते, इनके बारे में नहीं जानते, मगर यहाँ है बहुत खतरा, इतना जानते हैं। ये कूड़े फूड़े दान के यार्ड में सब करते हैं, नाम तो ये कूड़े का है, ये लूटमार करते हैं, जूता चप्पल दरवाजे पर वो उठा ले जाते हैं, डिब्बी डिब्बा लेटरिन में रखे वो उठा ले जाते हैं, कहाँ का इंसाफ है? ये कोई कुछ इंसान छोड़ नहीं सकता दो दरवाजे, और यही लोग करते हैं सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा चोरी लपोरी सब करते हैं, और यहाँ कूड़ेदान का तो नाम है, इन पर क्या नहीं है, रहने को नाम कर रहे हैं झुग्गी झोंपड़ने का, सब कुछ है इनके पास, और यहाँ पे कूड़ा हटाने के लिए इतना ड्रामा कर दिया, वहाँ मंदिर तो वहाँ सब कुछ वहाँ तोड़ दिया, मंदिर भी तोड़ दिया हम लोगों ने, मूर्ति गिरा दी, किसी को तरस नहीं आ रहा इस बात पर। अरे सब एक तरह से रहते हैं, हिंदू या मुसलमान। अच्छा ये बताइए, मेरा ये सवाल है, यहाँ हम इतने जगह घूमते हैं, इतने जगह घूमते हैं, लेकिन हमको ऐसा कभी नहीं देखने को मिला, खास करके उस मोहल्ले में जो है हिंदू मुस्लिम, जो दो घर हिंदू का है दो घर मुस्लिम का है, सब इकट्ठा है सब लोग, तो आप लोग शादी ब्याह या कुछ भी होता है उनके शादी में शिरकत करते होंगे? नहीं, जब देखो प्यार मोहब्बत होता है बुलाते हैं तो सब जाते आते हैं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कोई लड़ाई दंगा हुआ, हिंदुओं मुसलमानों सब प्यार से ही रहते हैं यहाँ पे, कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार में ऐसा हुआ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी पथराव हुआ वो हनुमान जयंती की रैली निकल ली थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पथराव के दिन छत पर उतना पत्थर और बोतल कहाँ से आ गया, ये पहले ये क्या पता कहाँ से हुआ कहाँ से नहीं आया,
ये तो भैया जिन्होंने फेंका वो जाने, हिंदू लोगों के नहीं मिलेंगे ना, पत्थर मिले ना कुछ मिले ना, हाथ में चाकू छुरा मिलेगा इन लोगों के मिलते हैं। अभी भी मीडिया वालों ने उन्हें कितने देखे, पुलिस वालों ने कितने पत्थर देखे, हमारे किसी हिंदू को नहीं, कहां से लाया कहां से नहीं लाया, इनके क्यों मिलते हैं, ये लड़ाई चाहते हैं ना 24 घंटे, इसीलिए इनके मिलते हैं, हमारे किसी के नहीं मिलेंगे। कहीं भी देख लो, कहीं बोरा बिस्तर में, कहीं भी बोतल इनके मिले, सारे ढेर इनके मिलते हैं। चल भाई ले लो भैया, सब जवान से भी ले लो, मतलब ये जब से आप लोग रहे तब से ये पहली बार घटना घटी है। हाँ यहाँ तो ऐसा हुआ, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, यहाँ कोई ऐसी लड़ाई वाली बात नहीं होती है। ये तो पता नहीं कैसे हो गया, पहले से प्लान था, 2-4 दिन पहले से ही था, और ना एकदम कहाँ से आ जाएंगे सारी बोतलें पत्थर कहाँ से आएंगे प्लान। और हमारे कोई लोग ऐसे क्यों भागते, वो लड़ते नहीं, वो तो भाजे भाई जान बचा बचा गए, भाजे बेचारा बुड्ढा सारे पत्थर टूट गया, मूर्ति पकड़ पकड़े कहाँ भागता, मूर्ति गिर जाती, सारे बुड्ढे की उसके लाल पड़ गए सारे पीठ पीठ, इन्हें सारा दिखा रहा था, कह रहा मेरे बेटा में भागता तो मूर्ति मूर्ति सारी गिर जाती, वो बेचारे कह रहा चाचा क्या हो रहा, चाचा क्या हो रहा, कोई तरस नहीं खा रहा, पत्थर मार रहे ऊपर से। तो मूर्ति कहाँ से, मूर्ति मंदिर की पकड़े थे रैली में, हनुमान की मूर्ति पकड़ के ले जा रहे रैली में। कौन, मुस्लिम लोग? नहीं हमारे जो लोग पत्थर बजाए थे, तो कहाँ भागता, वो बड़ा बूढ़ा बुड्ढा पीट डाला, इन्हें तरस नहीं आता किसी पे, बच्चों पर तरस नहीं, किसी पर तरस नहीं, लड़कियों पर तरस नहीं, यहाँ कोई निकल के जाए तो। लेकिन ये खबर नहीं आई जिस दिन जो घटना हुई 16 मार्च को, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन, उस दिन घायल भी हुए थे कुछ लोग, बहुत लोग पुलिस वाले ज्यादा हुए, उन पे गोली चला दी पुलिस वाले पे गोली चली, लेकिन आम पब्लिक वो लड़ते तो घायल होते, वो तो अपनी जान बचा के भाग गए। अच्छा भाग गए वो लड़ते तो पुलिस वाला तो कर दिया घायल, पुलिस वाले को तो कर दिया, पब्लिक के भी चोट बहुत लगी है, ऐसी बात नहीं है, चलते फिरती गाड़ी तोड़ी है, कारें तोड़ी है। कोई भी पर्व शोभा यात्रा जब निकाला जाता है तो आपसी सौहार्द बनाने के लिए, सामाजिक प्रेम को बनाए रखने के लिए, आपसी प्रेम बने रहे, इसलिए ये शोभा यात्रा या कोई भी सामूहिक भोज किया जाता है या कोई भी पर्व किया जाता है। लेकिन दिल्ली का दिल, देश का दिल दिल्ली, जहाँ पे दो दिलों के बीच में दरार पड़ गया, वो कौन दरार पैदा किया, कहाँ से लोग आए, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको भी ये पता नहीं है कि ये कौन लोग किए हैं, जो यहाँ 40 साल 50 साल से लोग रह रहे हैं, ये पहली बार ये घटना घटी है, ये कहीं कोई साजिश तो नहीं है दो दिलों के बीच में दरार पैदा करना, दिल्ली को बदनाम करना, देश को बदनाम करने के लिए। मैं शंभू कुमार, लाइव न्यूज़, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।